साथियों, ऐसा लगता है कि जल संरक्षण मन की बात में जब मैंने इस बात को स्पर्श किया था, लेकिन शायद आज मैं अनुभव कर रहा हूं कि मेरे कहने से पहले भी जल संरक्षण ये आपके दिल को छूने वाला विषय था, सामान्य मानवी की पसंदीदा विषय था। और मैं अनुभव कर रहा हूं कि पानी के विषय ने इन दिनों हिंदुस्तान के दिलों को झकझोर दिया है। जल संरक्षण को लेकर देश भर में अनेक विध प्रभावी प्रयास चल रहे हैं। लोगों ने पारंपरिक तौर तरीकों के बारे में जानकारियां तो शेयर की है, मीडिया ने जल संरक्षण पर कई इनोवेटिव कैंपेन शुरू किए हैं, सरकार हो, एनजीओज हो, युद्ध स्तर पर कुछ न कुछ कर रहे हैं। सामूहिकता का सामर्थ्य देखकर मन को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत संतोष हो रहा है। जैसे झारखंड में रांची से कुछ दूर ओरमाझी प्रखंड के आरा कैरम गांव में वहां के ग्रामीणों ने जल प्रबंधन को लेकर जो हौसला दिखाया है, वो हर किसी के लिए मिसाल बन गया है। ग्रामीणों ने श्रमदान करके पहाड़ से बहते झरने को एक निश्चित दिशा देने का काम किया, वो भी शुद्ध देसी तरीका। इससे न केवल मिट्टी का कटाव और फसल की बर्बादी रुकी है, बल्कि खेतों को भी पानी मिल रहा है। ग्रामीणों का ये श्रमदान अब पूरे गांव के लिए जीवन दान से कम नहीं है। आप सबको यह जानकर भी बहुत खुशी होगी कि नॉर्थ ईस्ट का खूबसूरत राज्य मेघालय देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी जल नीति वाटर पॉलिसी तैयार की है। मैं वहां की सरकार को बधाई देता हूं। हरियाणा में उन फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है जिनमें कम पानी की जरूरत होती है और किसान का भी कोई नुकसान नहीं होता है। मैं हरियाणा सरकार को विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने किसानों के साथ संवाद करके उन्हें परंपरागत खेती से हटकर कम पानी वाली फसलों के लिए प्रेरित किया। अब तो त्योहारों का समय आ गया है, त्योहारों के अवसर पर कई मेले भी लगते हैं। जल संरक्षण के लिए क्यों न इस मेलों का भी उपयोग करें। मेलों में समाज के हर वर्ग के लोग पहुंचते हैं। इन मेलों में पानी बचाने का संदेश हम बड़े ही प्रभावी ढंग से दे सकते हैं, प्रदर्शनी लगा सकते हैं, नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं। उत्सवों के साथ साथ जल संरक्षण का संदेश बहुत आसानी से हम पहुंचा सकते हैं।